यह सिल्वर फॉइल है और इसका टोटका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सिल्वर फॉइल में शुक्र ग्रह का वास होता है। जितनी भी शाइनिंग वाली चीज़ें हैं वो शुक्र से शासित होती हैं और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करते हैं। आप इसके एवज़ में चांदी का वर्क भी ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्नान जब आप सुबह करेंगे शुक्रवार को, उसमें कुछ चीज़ें आप डाल दें और चीज़ों को डालकर स्नान करते हैं, उससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। उस पानी में आपको डालनी है सफ़ेद चंदन, पलाश के फूल अगर आपको मिल जाए तो, कोई भी खुशबूदार फूल आप डाल सकते हैं, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थोड़े से चावल भी डाल दीजिए, थोड़ा सा आप एक चुटकी बूरा डाल दीजिए। बूरा ऑप्शनल है क्योंकि बूरा डालने के बाद आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, तो बूरा ऑप्शनल है, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई तो उसको डाल के नहाने से आपको शुक्र की सत्ता मिलेगी, शुक्र की पावर मिलेगी। आप इलायची का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको इस दौरान सफ़ेद चप्पल पहने हुए रहना है, नई चप्पल लाई ले आइए सफ़ेद, और उसको पहन कर स्नान करिए। आपका जो स्टूल है वो भी सफ़ेद होना चाहिए, आपकी बाल्टी सफ़ेद होनी चाहिए, आपका मग्गा सफ़ेद होना चाहिए, फिर देखिए कितना शानदार शुक्र निखर के यहाँ सामने आता है और आपको शुक्र की पावर मिलने लगती है। जिनका शुक्र किसी वजह से निष्फल है वो ये उपाय करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शुक्रवार के उपाय शुक्रवार को ही किए जाते हैं, लेकिन शुक्र की होरा में भी ये काम कर सकते हैं। हर ग्रह की होरा डेली आती है, सातों दिन में हर ग्रह की होरा आती है, तो उस ग्रह की होरा यानी शुक्र की होरा में भी आप ये काम कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको स्नान तो चप्पल पहन कर करना है, लेकिन घर में नंगे पैर नहीं घूमना है। आपकी एड़ी हमेशा साफ़ सुथरी चिकनी होनी चाहिए, इससे शुक्र स्ट्रांग होता है। हमेशा सज संवर के रहने वाले मनुष्य का शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। आप कपड़ों को तह करके अलमारी में रखते हैं, क्रीज आपके कपड़ों पर होती है, प्रेस किए हुए कपड़े आप पहनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे भी आपका शुक्र निखर कर आपके व्यक्तित्व को एक नए अंदाज में लोगों के सामने लेकर आता है। मलाई के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको आपने काफ़ी प्यार दिया। मलाई के सेवन से भी शुक्र अच्छा होता है। अगर आप किसी ना किसी रूप में जावित्री का सेवन करते हैं उससे भी शुक्र स्ट्रांग होता है। आपको क्या करना है उपाय जानते हैं हम। आपको क्या करना है, सिल्वर फॉइल लेनी है और इसका एक टुकड़ा ले लीजिए छोटा सा, और इस सिल्वर फॉइल में आसानी से आपको पता है व्यवस्थित हो जाती है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसको व्यवस्थित करने में। कोई भी चीज़ डाल दो और इसको प्रेस कर दो, तो ये प्रेस करने से मतलब दबा दो तो ये अपना आकार ले लेती है। तो इसमें आप थोड़े से चावल रखिए, साबुत चावल होने चाहिए, और एक जावित्री का पीस आप रख दीजिए, और थोड़े से मखाने या मिश्री रख दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसको आप अपने तिजोरी में रखें या आपके ज्वेलरी बॉक्स में रखें, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। इसको रखने के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र जपना है और श्री सूक्त का पाठ करना है। ये नियमित रूप से आपको करना है, आपकी ज़िंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुक्र की वस्तु होती है और उनका सेवन किसी न किसी रूप में आपको करना चाहिए। जैसे इमली है, इमली में शुक्र का वास है, संतरे में शुक्र का वास है, मौसमी और सीजनल फ्रूट जो होते हैं, स्पेशली जो मौसमी होती है उसमें भी शुक्र का वास है। जितने भी रसीले फ्रूट होते हैं वो उनमें भी शुक्र का वास होता है। अंगूर में शुक्र का वास होता है, मक्खन में शुक्र का वास होता है, जो वाइट वाला मक्खन होता है, मिश्री में शुक्र का वास होता है, गाय के घी में शुक्र का वास होता है, खांड और घी से बने हुए चावल में शुक्र का वास होता है, वैसे भी चावल में शुक्र का वास होता है। तो इन किसी भी चीज़ का सेवन आप करें, आपको शुक्र की पावर मिलेगी और आपका शुक्र स्ट्रांग होके आपको वैभव देगा, ऐश्वर्य देगा, और सब सुख साधन आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे। एसी, टीवी, कार, ज्वेलरी, घर का मकान, हर चीज़ आपके नसीब में भगवान ने लिखी है, लेकिन आप उपाय नहीं करते। तो उपाय करके देखिए, उपाय करके आपको कुछ ना मिले तो कहना, आपको थोड़ा उपक्रम तो करना पड़ेगा।
आप शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन मीन और धनु लग्न वालों को शुक्रवार का व्रत नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना। आप सिल्वर फॉइल के एवज़ में चांदी का वर्क अगर यूज़ में लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसमें भी आपको थोड़ी सी जावित्री रखनी है और थोड़ा सा साबुत चावल रखना है, मिश्री भी आप रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चावल और जावित्री रखने से ही आपकी बात बन जाएगी और आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।